शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने रिलीज की आठवें दिन 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म का टोटल कलेक्शन 161.01 करोड़ रुपया हो गया है। यह आंकड़े डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस के हैं। दूसरी तरफ सलार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 308.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म ने रिलीज के सातवें दिन 13.50 करोड़ रुपए की कमाई की है। सलार और डंकी दोनों फिल्मों की कमाई में कमी देखी जा रही है। डंकी तो गुरुवार को दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सकी। सलार भी सभी भाषाओं के आंकड़े जोड़ कर भी 15 करोड़ नहीं कमा पाए। वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो सलार ने बुधवार को ही 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, तो वहीं डंकी भी 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। शाहरुख खान ने इस साल ऐतिहासिक कमबैक किया है। उनकी दो फिल्में जवान और पठान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया, तो वहीं वर्ल्ड वाइड दोनों फिल्मों ने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। जवान इस साल की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली इंडियन फिल्म है। शाहरुख की पिछली दो फिल्मों का रिकॉर्ड देखे तो डंकी इससे काफी पीछे है। इसने अब तक 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है। जिस रफ्तार से फिल्म की कमाई गिर रही है, ऐसा अनुमान है कि फिल्म 400 करोड़ तक ही सिमट जाएगी। बताते चले आपको कि सलार प्रभास की तीसरी फिल्म है जिसने 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे पहले बाहुबली 2 और बाहुबली ने यह कारनामा किया है। बाहुबली 2 ने वर्ल्ड वाइड 1814 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, तो वही इसके पहले पार्ट बाहुबली ने पूरी दुनिया भर में 650 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो सलार 700 से 800 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस करेगी। फिल्म का बजट 300 करोड़ बताया जा रहा है। इस हिसाब से ये आंकड़े खराब नहीं कहे जाएंगे। ट्रेड एक्सपर्ट सुमित केडल ने कहा कि सलार को हिट का टैग लेने के लिए 400 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन करना पड़ेगा, मतलब फिल्म को सिर्फ इंडिया में इतने कमाने होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसका बजट डंकी की तुलना में काफी ज्यादा है। फिलहाल साउथ रीजन में भी फिल्म का कलेक्शन गिर रहा है। अभी सलार का इंडिया नेट कलेक्शन 308.90 करोड़ है। वही सुमित ने कहा कि सलार के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। आप थलपति विजय की फिल्म, लियो और रजनीकांत की फिल्म जेलर का उदाहरण लीजिए। इन फिल्मों को हिंदी बेल्ट से कोई खास सपोर्ट नहीं था, फिर भी दोनों फिल्में 600 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।